नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज हम बनाएंगे कैरी के मीठा अचार। इस तरह से कैरी का मीठा अचार बना के आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैरी के मीठे अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कैरी ली है। कैरी को हमने सारे रात पानी में भिगो कर रखे थे, उसके बाद हमने कैरी को पोंछ कर सुखा लिया है। कैरी को रात भर पानी में भिगो कर रखने से कैरी में जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। अब हम सबसे पहले कैरी को काट लेंगे। सबसे पहले हमें कैरी को ये पीछे वाले हिस्सा निकाल देना है। इस तरह से हमें कैरी को छील लेना है। इस तरह से हम सारे कैरी छिलकर तैयार कर लेंगे। हमने सारे कैरी को छिलकर अलग कर लिए हैं। अब हम कैरियों को काट लेंगे। मैंने जो कैरी ली है, इस कैरी में अभी भी बीच में गुठली नहीं बनी है, हल्की गुठली है, कच्ची है, इसलिए हम इस तरह से कट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से कट गए हैं। इसके बीजों को हमें निकाल देना है। हम कैरी को इसी साइज के काट लेंगे। आपको जिस साइज का पसंद हो आप उस साइज में काटें। हमने सारे कैरी को इस तरह से लंबे पीसेस में काटा है। आप चाहे तो इसके बीच में से भी एक टुकड़े कर सकते हैं या फिर किसी भी आकार में काट सकते हैं। कैरी के मीठे अचार के लिए हमने यहाँ पे 600 ग्राम गुड़ लिए है। 1 किलो कैरी में हम 600 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मीठा ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। कैरी के मीठे अचार के लिए साबुत मसाला में हमने लिए 2 चम्मच कलौंजी, 150 ग्राम राई। काली राई की जगह आप पीले राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर राई दाल का। 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 लौंग, 5 इलायची हरी वाली, 10-12 काली मिर्च, 1 इंच सौंट का टुकड़ा। सौंट के टुकड़े को अदरक सुखाकर बनाया जाता है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हम सारे साबुत मसाले को डालकर हल्का फ्राई कर लेंगे, यानी कि मसाले में जो नमी होती है नमी को दूर करना है। मसाले को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और ना ही इसे डार्क कलर करना है, बस इसका नमी दूर हो जाए। हमें इतनी देर तक उसे भूनना है, यानी कि आधे मिनट तक हम मसाले को फ्राई करना है। धीमे गैस पर हमें मसालों को भून लेना है। गैस को अगर हम तेज करेंगे तो हमारा मसाला जल सकती है। हमने मसाले को आधे मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम मसाले को उतार लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। हमने मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भुना है, इसलिए हम हाथों हाथ पीस लेंगे। अब हम इसमें राई को भून लेंगे। राई को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इसे भी हमें नमी दूर हो जाए इतने देर के लिए भूनना है। आप चाहे तो इन सारे मसाले को धूप में 2 से 2.5 घंटा सुखाकर उसके बाद में इसको मिक्सी में पीस लें। इससे आपको मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे राई भी भूनकर तैयार हो गई है। अब हम राई को भी उतार लेंगे और राई को भी हम मिक्सी में एक साथ पीस कर तैयार करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। हल्का गर्म हो गई है, अब हम इसमें कैरी डाल देंगे। हम कैरी को फुल गैस पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। हमने कैरी को 2 मिनट तक फुल गैस पर पका लिया है। अब हम इसमें नमक हल्दी डाल देंगे। 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हल्दी के साथ में कैरी को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम कैरी को 2 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे हमारा कैरी जो है जल्दी पक जाएगी। कैरी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, कैरी को हमें आधा ही पकाना है, यानी कि हाफ बॉयल जितना हो जाए। कैरी को हम 2 मिनट तक पका रहे हैं, इसलिए हमें बीच में चलाने की ज़रूरत नहीं है। गैस को धीमा रखेंगे। जब तक हमारी कैरी पकड़ी है तब तक हम मसाला को पीस कर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम
कैरी को एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी कैरी पक चुकी है कि नहीं। आप देख सकते हैं हमारे कैरी बहुत अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इस कैरी को उतार लेंगे। गुड़ को पिघलाने के लिए हम यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम आधी कप पानी डाल देंगे। कढ़ाई में हमें गुड़ डाल देना है। आप चाहे तो गुड़ की जगह पे चीनी भी ले सकते हैं या फिर चीनी और गुड़ दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। गुड़ को हमें तब तक पका लेना है जब तक कि ये गुड़ पानी में अच्छी तरह ना घुल जाए। हमारे गुड़ अच्छे से पिघल चुके हैं। अब हम गुड़ को ठंडे होने के लिए रख देंगे। गुड़ को हमें इतना ही पकाना था। अब हम इसी कढ़ाई में एक चम्मच तेल और डाल देंगे। तेल को हल्का सा गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी, हिंग, आप चाहे तो हिंग को अचार बनाते वक्त ऊपर से भी डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से हींग और कलौंजी को डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में तीखा बहुत ही कम होती है। ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम यहाँ पर कैरी की मीठी अचार बना रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधी चम्मच सेंधा नमक। गैस को हमें ऑफ कर देना है। इस तरह से मसाले को गुनगुना तेल में हल्का सा फ्राई करने से मसाले में जो नमी होती है वो भी दूर हो जाती है और मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हम इसमें वो मसाला डाल देंगे जो हमने भूनकर पीसकर तैयार किया है। मसाले को हल्का सा मिला लेंगे। अगर आपको मसाला ज़्यादा लगे तो आप इसमें से मसाला बचाकर रख सकते हैं। आप उस मसाले का किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सब्जी में भी। अब इसमें जो गुड़ पिघल कर रखे थे वो डाल देंगे। अब हमें गैस को ऑन कर देना है। जैसे ही हमारे मिश्रण में एक उबाल आ जाएगा तब हमें इसमें कैरी डाल देनी है। आप देख सकते हैं हमारे ग्रेवी में उबल आ चुके हैं। अब हम इसमें कैरी डाल देंगे। इस तरह से कैरी को फ्राई कर लेने से कैरी को धूप में डालने की आवश्यकता नहीं होती। कैरी में जो नमी होती है वो दूर हो जाती है और हमारी ये जो कैरी का मीठी अचार बनेगी वो हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो कैरी को धूप में 3-4 घंटा सुखा कर भी ले सकते हैं या फिर पंखे के नीचे 3-4 घंटे तक सुखा कर ले। लेकिन उस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अचार बनने में और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका कैरी का अचार 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। इस अचार को आप हाथों हाथ खा सकते हैं। अब हमें कैरी को तब तक पकाना है जब तक कि कैरी और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, यानी कि हमारा जो गुड़ है वो एक तार का चाशनी में ना बदल जाए। गैस को हमें धीमे ही रखना है ताकि हमारे कैरी जो है वो गुड़ के साथ अच्छी तरह मिल जाए। हमने कैरी को धीमे गैस पर 10 मिनट तक पका लिया है। हमारी कैरी अच्छे से गुड़ के साथ में मिक्स हो गई है। हमें इतना ही ज़्यादा चाशनी रखना है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर आप इसे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो गुड़ जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो चाशनी जो है वो कड़क हो जाएगी, इसलिए हमें इतना ही चाशनी रखना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमें चाशनी को इतना ही गाढ़ा होने तक पकाना है। अगर आपको चाशनी का गाढ़ा होने का पता नहीं लगता तो आप किसी भी प्याला ले लें, उस प्याले में 2 बूंद चाशनी को डाल दें। जब चाशनी ठंडा हो जाए तो उसमें आप किसी उंगली की सहायता से दबा के देख लें। अगर वो एक तार की चाशनी बन रही है तो आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। कैरी ठंडा होने पर आप जिस किसी भी जार या फिर डब्बे में रखें वो डब्बा बहुत ही अच्छी तरह धुल कर सुखा लेना चाहिए। जरा सा भी नमी नहीं होना चाहिए और ना ही आप गीले हाथों का इस्तेमाल करें। हाथ बिल्कुल सूखा होना चाहिए और डब्बा बहुत ही अच्छी तरह सूखी होनी चाहिए। और जो भी चम्मच का या फिर चमचे का आप इस्तेमाल करें वो अच्छी तरह सुखा लें। गीले चम्मच का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे आपके अचार सालों साल ऐसे ही रह जाएंगे।
हमने मीठा अचार बनाने में गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे अचार का कलर डार्क हो गई है। आप अगर चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर इतना डार्क नहीं होगा, थोड़ा हल्का कलर होगा। हमारे अचार ठंडा हो चुके हैं, अब हम इसमें सिरका मिला देंगे। सिरका मिलाने से अचार बहुत लंबे समय तक टिक जाते हैं। सिरके को हमें अचार के साथ में अच्छी तरह मिला देना है। तैयार है हमारी कैरी का मीठा अचार। आप इस अचार को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।